बच्चों, कल मैंने आपको कुछ स्पेलिंग लर्न करने के लिए दिए थे, वो हो गए? टीचर, वैसे तो सारे वर्ड नल हो गए हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या बेटा? टीचर, एनओ भी नो होता है और के एनओ डब्ल्यू भी नो होता है, ऐसे वर्ड में कंफ्यूजन होता है। हाँ बेटा, इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं और उस वर्ड में कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिसका प्रोनंसिएशन नहीं होता है और उस लेटर को साइलेंट लेटर बोलते हैं। टीचर, ऐसे वर्ड तो कितने सारे होते हैं, हम कैसे याद कर पाएंगे? बेटा, साइलेंट लेटर वाले वर्ड बहुत सारे नहीं है, बस गिने चुने ही है, और डिक्शनरी की मदद से आप आसानी से उसे पढ़ सकते हो। तो टीचर, आप ऐसे साइलेंट लेटर वाले वर्ड लिखा दो ना। श्योर बेटा, लेकिन इससे पहले हम एक गेम खेलते हैं जिसका नाम होगा साइलेंट लेटर। अरे वाह टीचर, इस गेम में हमें क्या करना होगा? बहुत सिंपल है बेटा, हमारी लाइब्रेरी में से आपको डिक्शनरी लानी है और उस डिक्शनरी में से हमें ऐसे वर्ड ढूंढने हैं। लेकिन टीचर, इतनी बड़ी डिक्शनरी कब स्टडी कर पाएंगे? अरे बेटा, आपको ये काम इंडिविजुअल नहीं करना है, आप आपस में चार ग्रुप बना दो, बाद में भी बताती हूँ कि आपको क्या करना है। टीचर, हमारे ग्रुप बन गए हैं। वेरी गुड बच्चों, अब अपने अपने ग्रुप के लिए यहाँ से ब्लैंक पेज और डिक्शनरी ले लो। ग्रुप ए, आपका साइलेंट लेटर है एच। यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड्स इन विच एच विल बी साइलेंट। ओके टीचर। ग्रुप बी, your silent letter is W. You have to find out the word in which W will be silent. Okay, teacher. Group C, your silent letter will be K. You have to find out the word in which K will be silent. Okay, teacher. D, your silent letter will be G. You have to find out the word in which G will be silent. Okay, teacher. बच्चो, मैं आपको half an hour का वक्त दूंगी और जो टीम सबसे ज्यादा वर्ड ढूंढ पाएगी वही टीम विनर कहलाएगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।